सात बरस हो गए वो मेरे को छोड़ के दरगाह जाती। अच्छा, उसके भगवान के पास जाती हूँ, उसको छोड़ दी बीच में। हाँ, और छोड़ के बोलते और क्या तकलीफ दे रहा था? इसके बच्चों को परेशान कर रहा था, संतोष को भी परेशान कर रहा था। हाँ, क्या तराज दे रहा था? जल्दी बोलो तो काट दूंगा अभी। हाँ, अरे वो घर का हिस्सा नहीं दे रहा था। अरे घर का हिस्सा नहीं दे रहे थे बोल के परेशान कर रहा था। जोर से बोल, सबको सुने आना। हाँ, जल्दी बताने तो और आग लगा दूंगा तेजी के साथ में। बेटी को भी परेशान कर रहा था उसके। हाँ, क्या तकलीफ दे रहा था बच्ची को? वो काए, जल्दी बोलना तो मैं आग लगा रहा हूं और तेजी से दोनों हाथ काट के ले लेता हूँ। क्या कर देने वाले थे? मार के फेंक देने वाले थे हम उसको। पंखा बंद कर। और अरे उसके काली मैया ने उसकी दुर्गा पूजा बचाई। फिर बाद में वो ले काम कर रहे थे, फिर वो बाद में डर गए। हाँ, काना भाई। कला भाई की तेरी क्या दुश्मनी थी रे? अरे कुछ नहीं थी। हाँ, फिर शादी के झगड़े हुए थे। कौन ला के डाला इसके आंग में फिर? मेरे बेटे। क्या नाम है उसका? शाही। हाँ, शाही अंड्रेली। काय? शाही अंड्रेली। जोर से बोल, शाही अंड्रेली। क्यों ला के डाला उन्होंने इसके आंग में कला भाई के? क्या नाम है कला? घर का हिस्सा मांगता हमको बोल के। मैं बोली घर का हिस्सा तुम्हारे जन्म थी मैंने। हाँ। उसके ऊपर से जादू चलाते टाइम कला भाई का क्या लिख गए थे? घर का हिस्सा लिए थे वो लोग। इसका बाल चप्पल मट्टी कपड़ा क्या लिए थे जादू करने को? हाँ, जल्दी बता तो काट दूंगा तेरे दोनों हाथ। अरे उसके फोटो है उसके घर में। और संतोष पे भी करे जादू? उसको भी करे। क्या बोल के करे उसको? उसको शमशान में बकरी की बलि दिए थे, उसको कटिश मारने वाले थे। क्या कर रहे थे शमशान में? क्या करे? बकरी का बलि दिए थे उसके नाम से आग भरी। अच्छा, उसको मारने वाले है, उसको कामा भी नहीं बनना। हाँ, उसको पूरा बर्बाद किया आपने। क्या किए? पूरा बर्बाद किया उसको। लोगों का कर्जा किया है उसके घर के बैंक के पैसे से। हाँ। सबको उसको पूरा बर्बाद किया है। उसके माँ ने बचाई। सुनीता पे क्या करे? सुनीता पे क्या करे? सुनीता क्या लेकर जादू करने को? अरे उसकी बेटी है ना वो। सुनीता पे क्या करे जादू? उसकी बेटी है ना वो भी। हाँ, तो क्या करे उसकी बेटी पे? शादी नहीं होना, ऐसे भटक भटक के मर जाना। क्या बकरे? जोर से बोल। अरे वैसे भटक भटक के मर जाना, उसको खाने नहीं खिलाने। कौन सा खाना था? हाँ, जल्दी बोलो तो अभी काट दूंगा, मेरे को टाइम नहीं है। कौन से खाने में खिलाए? मैदे की चटनी में। खाए में कैसा मदी? अंडे के कुर्ची में खिलाई दी। कितना टाइम हो रहा खिला के उसको? उसको भी सात बरस हो गए। अच्छा, और संतोष पे जादू करके कितना टाइम हो रहा? उसका भी सात के ऊपर हो गए। अच्छा, वो बच्चा बच्ची दोनों को भटका भटका के मारने वाले है। आपके माँ को नगर आता बोल के, वो नगर वाला बाबा उसको छोड़ दिया हमने। अच्छा, उसके हाथ से जादू करा थे? जादू कौन कराए, किसके हाथ से कराए? और ये भाई अम्मा से मारने वाले, पूनम में मारने वाले को पूनम को मौका देख के। और कुछ किसने जादू किया? और कौन कौन मिले वाले थे? उसकी माँ उसे मिले लिए। क्या नाम है? उमा है। और उसके और एक दूसरा एक वो ही है, वो छक्का। क्या नाम है उसका? हाँ,
पूरे जादू कर रहा है इनका कौन है वो? हाँ वो शाही का दोस्त है। अच्छा उन्हें भी मिले आला है। करने का मकसद, जादू करने का मकसद क्या है? अरे हमको मजा मिलती है, वो लोग बहुत आम पुलिया करते हैं ना। हमारे बोले सुनते नहीं वो लोग। क्या करना आप तेरे जला के डाल दू पूरा? हाँ करेगा दोबारा परेशान। हाँ बहुत जल्दी मैं काट दूंगा अभी। नहीं जलाएंगे इसको ना। चल तो बता पकड़ जल्दी, तो ना हाथ ऊपर तो बता पकड़ मुंह पे मार के तो पकड़ जल्दी दोनों हाथ मार मुंह पे। बोल तो बात होगा, परेशान नहीं करेगा बोलना। नहीं करूंगी। हाँ मुंह पे मार के बोल तो बात होगा। बहुत जादू कर रही लोगों पे, बहुत जादू कर रहे कमीनों सब मिलके। दोनों हाथ मुंह पे मार वो उठा के ऊपर। पूछ लिए सब क्या सुन रहे थे जब से? तुम्हारा बोल, तुम्हारा बोल जबान से जल्दी। अभी नहीं करूंगी जोर से। अभी नहीं करूंगी। चल निकल भाग कमीनी बाहर, दोबारा दिखना नहीं उसके आंग में। जल्दी निकल। क्या नाम इनका? गले में चुपते। कला भाई पानी दो रही। अब ये जो है ये सुबह शाम दो टाइम उनके मुंह पे मारना, घर में भी स्प्रे करना। अरे पानी लाओ पानी। वो तो अंदर बल्ला गुस्से आई थी और उसने कुछ बयान करा, बच्चे पे भी जादू करे, बच्चे पे भी किया है, तो सब रिकॉर्ड में देख लो। और दूसरा फिर उसने और भी बहुत सारे बातें बयान कराए, करने से मजा मिलता है लोगों को, करने वालों को क्या 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 सुबह देर दुआ जो है दुआएं सब याद करना, खाना किसी के भी घर पे खाने से पहले दुआ पढ़ के खाते जाना। अपने अपने आप को तुम अल्लाह के हवाले करेंगे, अल्लाह के सुपुर्द करेंगे कि अल्लाह हम घर से बाहर निकल रहे तो हमारी हिफाजत कर, तो बरोबर वो हिफाजत करता, ऐसी भी हिफाजत करता, फिर तुम्हारी भी करता, तुम्हारे घर वालों की भी करता रिटर्न आए तक। फिर कौन जादू चला सकेगा तुमके, कौन जादू करना चलेगा, ये सब ऐसी बातों पर अमल करो। तुम अमल करेंगे तो तुम महफूज रहेंगे, तुम नहीं करेंगे तो फिर कैसा? घर से बाहर जाने की दुआ याद करो, खाने की दुआ याद करो, हर मामले में दुआएं याद करो। दुआ तुम्हारा हथियार है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब याद कर सकता है दुआएं। आयतल कुर्सी मोबाइल में डालो और सुनते जाओ, एक टाइम बनाओ आयतल कुर्सी सुनने का, सूरह यासीन सुनो। तुम पढ़ नहीं सकते तो तुम समझ में आता हूँ, तुम सुन तो सकते ना, तुम सुनेंगे दिन निकलने के टाइम पे सुनेंगे तो तुम रात तक महफूज रहेंगे, रात होने के बाद 6 बजे के बाद सुनेंगे, दिन निकले तक महफूज रहेंगे, सूरत निकले तक। तो ये सब बातों पर अमल करो, अमल करेंगे तो महफूज रहेंगे, महफूज रहेंगे, महफूज रहेंगे, वरना ऐसे वबाओं में घिर के खत्म हो जाएंगे। फलाएं ये सब चीजें क्या करते हैं इंसान को, गला गला के एक तो तवई भी लगा देते, फिर जिस्म को भी सड़ा देते, गला के मार देते इंसान को। तो अल्लाह ये सब वबाओं से मोमिन बंदों की और बेगुनाह लोगों की सबकी हिफाजत करे, हिफाजत करे, हिफाजत करे, क्योंकि तुम इस वबाओं में घिर जाएंगे तो बहुत बुरा आलम होता और बहुत बुरा, इंसान बच ही नहीं सकता इससे। बचने के चक्कर में इतने डुप्लीकेट बैठे है, डुप्लीकेट तो वहाँ पर पूरा बर्बाद कर देते हैं, फिर ओरिजिनल के पास तुम पहुंचे तक तो कुछ बचता नहीं तुम्हारा, नहीं ना शरीर, ना हालत, ना पैसा, ना रुपया, ना कुछ, सब बर्बाद होने के बाद पहुंचे। बहुत सारे लोग मर भी जाते घर के पहुंचे पहुंचे तक असल इंसान के पास हटाने के वास्ते। इसलिए बेहतर है कि पहले से ये सब चीजों पर थोड़ा फोकस दिया करो, ये सब बातों पर या अमलों पर। ऐसा नहीं कि हम वो दुनिया की पढ़ाई पढ़ लिए, पढ़ो बेशक, तरक्की करो हर मामले में तरक्की करो, मगर तुम्हारी तरक्की तुम्हारा अपना ही कोई देख के जलता और तुम्हारा अपना ही कोई तुम्हारे गुब्बारे में से हवा निकालने की कोशिश करता, तुम्हारा जो गुब्बारा बनाम का बड़ा फूल जा रहा था उसे लाके सुई चुबा देता, कोई तुम्हारा अपना ही रहता, गैर को तुम्हारे से क्या लेना देना है। इसलिए बेहतर है कि तुम महफूज रहेंगे, तुम्हारी फैमिली महफूज रहेंगी, सब महफूज रहेंगे। अल्लाह कहने सुनने से ज्यादा सब अमल करने की तौफीक दे। मैं बार बार ये बात बताता कि मैं कोई कहानी और कोई किस्सा नहीं सुनाता तुम्हारे को, मैं प्रैक्टिकल में दिखाता हूँ, जो भी है प्रैक्टिकल में देखो अपने आँख से और समझो, और जो ना मांगे सीख वो दर दर मांगे ठीक। तो इसलिए बेहतर है कि जो भी सीखा है तो उसको सीख कर अमल करो, और कोई जादूगर के पास मत जाओ, जादूगरों के पास मत जाओ, ये गलत बात है जाना, क्योंकि तुम्हारे को बर्बाद कर देता जादूगर, उल्टा उस पर भी नमूसत गिरती
उस पे ऐसी बारिश होती नहुसत की, तो वो छिटे तुम्हारे भी गिरते, तुम भी नहुसत में मुब्तला हो जाते। अल्लाह वालों के पास जाओ, बुजुर्गान दीन के पास जाओ, वली अल्लाह के पास जाओ, उनके पास एक लम्हा बैठना 60 साल की इबादत का सवाब है, और जादूगर के पास एक लम्हा बैठना 60 साल की इबादत भी थोड़ा बढ़ेंगे ना फिर, तो इसलिए बेहतर है। और बुजुर्गान दीन को कभी बुरा नहीं बोलना, उनको बुरा बोले तो फिर अल्लाह नाराज नहीं, अल्लाह जंग का ऐलान कर देगा तुम्हारे साथ में, खुले जंग का। और जब अल्लाह तुम्हारे से जंग का ऐलान कर देगा तो फिर तुम ना दुनिया के रहे ना आखिरत के रहे, ना इधर के ना उधर के, खत्म हो जाते। जादू टोना हट जाएगा दुआ पानी से, बीमारी हट जाएगी दवा गोली से, मगर अल्लाह नाराज और जलाल में आ जाएगा तो वो कैसे हटेगा, फिर उसको कैसे तुम राजी करेंगे, फिर तो वही तुम्हारी सब बर्बाद होगी। इसलिए कभी कुरान नहीं बोलना, बोले अल्लाह को पढ़ लो हदीसा किस्से कुरान सब, तो तुमको पता चलेगा कि कहाँ से किसको बुरा नहीं बोलना है। अगर बुरा बोलेंगे और रब नाराज होगा तो क्या करते, फिर कहने सुनने से ज्यादा अल्लाह सबको अमल करने की तौफीक दे, तौफीक दे, तौफीक दे, इबादत करो ज्यादा से ज्यादा, इबादत तुम्हारे को ढाल बन के बचेंगी और हसद और जलन तुम्हारे अंदर पैदा नहीं होंगी। और तुम इबादत नहीं करेंगे तो हसद और जलन तुम्हारे अंदर पैदा होंगे, और तुम एक दूसरे से जादू टोने करेंगे, चिड़ बदाओगे, फिर तुम सब गर्क हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे रास्ते हैं। चलो अल्लाह कहने सुनने ज्यादा सबको अमल करने की तौफीक दे। कहाँ से आए थे? पुणे से। हेलो पुणे। अच्छा चलो ठीक है।